ऑलिस पुरी। ऑलिस पुरी आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आता रहा है। आज भी ऑलिस पुरी आपके लिए लेकर आया है वेज हक्का नूडल्स बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, जो कि बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आता है और घर पर आप इसको बहुत ही इजिली और क्विकली बना सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना होगा ताकि आप घर में ही बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेज हक्का नूडल्स बना सके। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन ताकि आपको वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें और मेरी नई वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आते रहें। लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स है, नूडल हमने लिए हैं 150 ग्राम। इनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। पहले बॉईल इसलिए करके रखा है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। बॉईल करने के बाद इनको मैंने ठंडे पानी से धोकर ठंडे पानी में भिगो लिया है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। इसके लिए हमने वेजिटेबल्स लिए हैं। एक मीडियम साइज हमने अनियन लिया है, इसको हमने लंबा कट करके रखा है। ब्रीक मैंने 50 ग्राम जो है पनीर लिया है, इसको ब्रीक कट कर लिया है। एक कैरेट ली है, इसको हमने मीडियम साइज में कट करके रख लिया है। कैप्सिकम लिया है, इसको हमने एक कैप्सिकम पूरा लिया है, इसको कट करके लंबा लंबा रख लिया है। 50 ग्राम के आसपास मैंने कैबेज लिया है, इसको हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। फ्राई करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, सॉल्ट लिया है और ब्लैक पेपर लिया है। जो सॉस इसमें यूज होगी, सोया सॉस, सेचुरन सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ये हम एक एक टेबल स्पून ऐड करेंगे बाद में। चलिए शुरू करते हैं बनाना हक्का नूडल्स। हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, कैबेज, कैप्सिकम और इनको मिक्स करेंगे। ज्यादा देर हमें इसको पकाना नहीं है, 1 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, हमारी वेजिटेबल पक गई है। ज्यादा हम इनको ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि नूडल्स में कच्चा कच्चा सब्जी ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस। सॉस से पहले हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया है, ये हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। अब इसमें हम सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सेचुरन सॉस 1 टेबल स्पून जो है, चिली सॉस 1 स्पून, विनेगर को हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब हम इनको मिक्स करेंगे। सॉसेस को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और फिर से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। ये ब्लैक पेपर हम 1 स्पून ऐड करेंगे। पनीर ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना, बच्चों को पसंद आता है इसलिए मैंने ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल गया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नूडल हमने ऐड कर लिए हैं, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें। स्पैचुला की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने नूडल्स को मिक्स कर लिया है, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। आप पूरी रेसिपी को अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे और बच्चों को ये बहुत ही पसंद होते हैं। ये बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग करेंगे। बाउल में मैं इसको निकाल लेती हूँ और आपको इसकी फाइनल प्लेटिंग कर दिखाती हूँ।
ये हमने फाइनल प्लेटिंग कर ली है। देखिए हमारा हक्का नूडल बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। होप यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक यू।